हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्ला के मारे जाने पर देश के अलग अलग हिस्सों में मार्च और प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लखनऊ में हसन नसरुल्ला की मौत पर पुराने लखनऊ के चौक इलाके में दुकानों को बंद किया गया है। 3 दिन तक दुकानों को बंद करके शोक मनाया जा रहा है। वहीं सैयद हसन नसरुल्ला का पोस्टर भी यहां लगाया गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। ये मार्च छोटे इमामबाड़े से लेकर बड़े इमामबाड़े तक पहुंचा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मार्च करते हुए आगे बढ़े, मार्च में शामिल हुए। उन्होंने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ यहां पर जमकर नारेबाजी की। लखनऊ में कुछ संगठनों ने 3 दिन के शोक का भी ऐलान कर दिया है, जिसके अंतर्गत कई दुकानें भी बंद रहेगी। तो मारा गया नसरुल्लाह, लेकिन असर अब भारत के अलग अलग कोने में भी देखने को मिल रहा है और आवाजें उठती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। साथ ही साथ बंद का भी ऐलान किया गया है। तो देखिए, हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद आप देखिए किस तरह से देश भर से अलग अलग जगहों से तस्वीरें देखने को मिल रही है। शिया बाहुल इलाके में आपको बता दें बंद का ऐलान किया गया है। वहीं 3 दिन के शोक का ऐलान भी किया गया है। इन सब के बीच लगातार तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। एक तरफ महबूबा मुफ्ती ने समर्थन किया है उसी के साथ साथ हमने देखा कि इसको लेकर अब गिरिराज सिंह भी बरसते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ा सवाल यही कि हसन नसरुल्लाह के मारे जाने को लेकर जिस तरह का समर्थन और जिस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है उसको लेकर तमाम सवाल भी खड़े होते हैं। सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट का, जिन्होंने ग्राउंड जीरो से ये खबर हमारे लिए भेजी है। सैयद हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद राजधानी लखनऊ में कल कैंडल मार्च निकाला गया। इसके साथ साथ राजधानी लखनऊ के पुराने इलाके में 3 दिन तक दुकानें बंद करने का ऐलान किया गया है, जिसके बाद फिलहाल चौक इलाके में आप देख सकते हैं कि जो नसरुल्लाह की जो का पोस्टर जो है वो यहां पर लगाया गया है। इसके साथ साथ सभी जो दुकानें हैं उनको फिलहाल बंद कर दिया गया है। अगले 3 दिन तक इस पूरे इलाके की जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। ऐसे में यहां पर जो दुकानदार हैं उनसे हम बात करते हैं कि 3 दिन तक दुकान बंद करने का कारण क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चांद। चांद जी, ये बताइए कि 3 दिन तक ऐलान किया गया है, क्या वजह है? वजह यह है कि मतलब कि नसरुल्लाह साहब की जो डेट हो गई है, मार दिया गया है, तो उनके शोक में मार्केट 3 दिन तक के बंद रहेगी। कल आप लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला था तमाम जगहों पर, और ये वो कौम की तरफ से था, उसमें कोई सबने पूरी कौम ने मिलकर उसका निकाला था। तो देखिए विशाल रघुवंशी की ये रिपोर्ट आपने देखी। इन सब के बीच नसरुल्लाह के लिए हमदर्दी पर बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाए हैं। आज तक जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का, अलगाववादियों का और पथराव करने वालों का समर्थन सहयोग करते रहे। आज अगर दुनिया भर में कहीं आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां उनके समर्थन में नजर आती हैं। उनको गाजा तो नजर आता है, लेकिन ढाका में हिंदुओं की हत्याएं नजर नहीं आती। वो आतंकी संगठन है, उनका तो नेस्तनाबूद होना चाहिए। अगर उनको मारा गया है तो अच्छी पहल है। जो देश में नफरत और अराजकता का माहौल पैदा करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का सफाया होना चाहिए। और इस बड़ी खबर पर सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी पीटी श्रीवास्तव का। पीटी श्रीवास्तव, देखिए सबसे बड़ी बात, मार्च निकाला गया, इसके साथ साथ समर्थन भी दिया गया, लेकिन अब 3 दिन का बंद रखा गया, आम लोगों को इससे कितनी दिक्कत हो रही है वहां पर? देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से नसरुल्लाह की मौत के बाद में चौक, जो पुराना एरिया है चौक जहां पे सिया समुदाय के लोग रहते हैं, वहां पर 3 दिन के लिए शोक मनाया जा रहा है, दुकानों को बंद कर दिया गया है। इससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि जो बाज़ार है वो बाज़ार 3 दिन के लिए बंद रखा गया है। और हालाँकि ये जो पूरा जो एरिया है, ये पुराने लखनऊ का एरिया है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो सिया समुदाय की है, और सिया समुदाय के जो लोग हैं वो इसको लेकर शोक मना रहे हैं। उनका कहना है कि उसको शहीद का दर्जा दे रहे हैं। हालांकि भाजपा नेताओं ने इस पर सवाल उठाए हैं और यहां पर भी जो कुछ स्थानीय लोग हैं वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से इस कल जो है, कल शाम को इसको लेकर सिया समुदाय के जो लोग थे उन्होंने कैंडल मार्च निकाला था, और कैंडल मार्च निकालने के बाद तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखें। Z News।
Cheers.